हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग के बारे में। कैसे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें आप टाइम कीपिंग का काम जो है वो कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे आने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। बेनिफिट्स मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया तो वो मैं नहीं, नहीं, नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूँ। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ इग्नू बीकॉम में आना है। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। इस वाले व्हाट्सएप लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। बेनिफिट्स मैंने आपको बताया तो ऑलरेडी, फिर भी बता देता हूँ। असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लो कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप प्लीज जब भी स्टडी करें हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज हैं, इन सारी वीडियोज को आप वॉच करें एक एक करके। जब आप इन वीडियोज को देखेंगे तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। तो टाइम कीपिंग सबसे पहले तो होता क्या है? टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि आप अपने वर्कर्स का जो अटेंडेंस है कि वो वर्कर्स कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर आपको नजर रखना होता है। तो आप इसको टाइम कीपिंग बोलते हो। यहाँ पे आप इसको कीप करने की कोशिश करते हो। आप जगह जगह पे जो है, जगह जगह पे नहीं, आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हो जहाँ पे कौन सा व्यक्ति किस टाइम पे आया किस टाइम पे बाहर गया, आप उसको लिखते हो। ठीक है ना? सो हैंड रिटन मेथड होता है। सबसे पहला मेथड होता है हैंड रिटन, जहाँ पे आप हाथों से लिखते हो। तो यहाँ पे क्या क्या, इसका फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला जो इसका फीचर है यहाँ पे वो ये है कि नेम ऑफ द वर्कर्स आर एंटर्ड इन द अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग। सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो नाम होता है, जो भी वर्कर होता है उसका जो नाम होता है उसको आप अटेंडेंस रजिस्टर में लिखते हो ताकि आप उसका टाइम कीप कर सको, कब आया कब गया वगैरह वगैरह। बी नंबर पॉइंट है, दे आर रिक्वायर्ड टू साइन द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ देयर अराइवल फॉर देयर ड्यूटीज एंड इन द फैक्ट्री एंड एट द टाइम ऑफ दे लीव। है ना? तो जब भी वो वर्कर्स आएंगे तो उनको, जब वो आएंगे जिस टाइम पे वो आएंगे उनको वो टाइम भी मेंशन करना होगा, प्लस जिस टाइम पे वो अब वहां से बाहर जाएंगे है ना, उस टाइम को भी उनको अपने अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन करना होता है, जैसे कि मैक्सिमम सरकारी जॉब्स में ऐसा होता है। सी नंबर पॉइंट है, सम टाइम आफ्टर द एक्चुअल टाइम शेड्यूल्ड फॉर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटीज वर्कर्स आर मार्क्ड लेट और एब्सेंट एज द केस मे बी। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति लेट हो जाता है अपने काम पे पहुंचने के लिए, तो या फिर तो वहां पे उसके जगह पे लेट लिख दिया जाता है या फिर तो उसको एब्सेंट कर दिया जाता है उस दिन के लिए। वो लेट हो गया, उसको एब्सेंट कर दिया गया। ठीक है, तो हैंड रिटन मेथड में ये जिसके तीन फीचर्स होते हैं, नाम लिखना, दूसरा कब आया कब गया उसके बारे में लिखना, और चौथा तीसरा कि जब आता है अगर लेट से आता है तो वहां पे लेट लिखना या फिर तो एब्सेंट कर देना। ठीक है ना? सो ये हैंड रिटन मेथड होता है। दूसरा और एक इसका चौथा पॉइंट भी है, वो भी कर लेते हैं, इसको तो मैं भूल ही गया था। द दिस इज अ सिंपल एंड कॉमन मेथड, द पॉसिबिलिटीज ऑफ फेक अटेंडेंस और फ्रॉडुलेंट मार्किंग ऑफ अटेंडेंस मे नॉट बी रूल्ड आउट अंडर दिस मेथड। है ना? तो ये चूंकि एक बहुत ही कॉमन सा मेथड है, यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी होती है कि कोई आपका फेक अटेंडेंस लगा करके चला गया क्योंकि कोई यहाँ पे देख तो नहीं रहा है ना, या फिर आपस में भी साठ गांठ होती है तो यहाँ पे फेक अटेंडेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, फ्रॉडुलेंट अटेंडेंस होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। तो आप इसको एक तरह से दरकिनार नहीं कर सकते जब कोई आप पे क्लेम करे कि नहीं हैंड रिटन मेथड में ये जो है आप दिक्कत कर रहे हो, राइट, ये प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हो, ये चीजें आप गलत कर रहे हो, तो इसको एक तरीके से रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। तो दीज आर द फोर पॉइंट्स, दीज आर द फोर मेन फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मेथड। नाउ चेक टोकन और डेस्क मेथड, ये क्या होता है? सो ईच वर्कर इज अलॉटेड आइडेंटिफिकेशन और टोकन नंबर। इस वाले मेथड के अंतर्गत हर एक वर्कर को जो है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर टोकन नंबर दिया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कौन सा व्यक्ति कौन है जो काम कर रहा है। बी नंबर पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ अराइवल द वर्कर कलेक्ट्स हिज टोकन फ्रॉम द बोर्ड एंड ड्रॉप्स इट इन द बॉक्स केप्ट फॉर द पर्पस एट द फैक्ट्री गेट। है ना? तो यहाँ पे क्या करता है कि ये जो आदमी जब आता है अपने अराइवल पे, जब वो आता है तो वो उस टोकन को कलेक्ट करता है अपने बोर्ड से, और उस टोकन को कलेक्ट करने के बाद वो जाता है और फिर जो उसका बॉक्स होता है जो कि उसी चीज के लिए बनाया गया है, आप वहां पे जाकर के उसको वो डाल देता है अपनी फैक्ट्री गेट के वहां पे। है ना? तो ये टोकन सिस्टम है। यहाँ पे टोकन उठाया, मैं जब फैक्ट्री में एंटर कर रहा हूँ तो टोकन फैक्ट्री के बाहर एक बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में मैंने अपने टोकन को डाल दिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस नंबर टोकन का बंदा ये है। है ना? So after 10 to 15 minutes of the normal arrival time, the box is removed by the timekeeper or it is submitted or it is substituted by another box. है ना? तो जब 10 और 15 मिनट गुजर जाते हैं normal time arrival के बाद, तो वहां पे उस box को हटा दिया जाता है, जो normal arrival का जो time है उसको हटा दिया जाता है, फिर जो late arrival का जो होता है box उसको वहां लगा दिया जाता है substitute box के रूप में, ताकि पता चल पाए कि कौन पहले आया है और कौन बाद में आया है। ठीक है?
लेट कॉर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द टाइम कीपर। तो जो लेट कॉर्नर्स होते हैं उनको एक तरीके से डायरेक्टली रिपोर्ट करना पड़ता है टाइम कीपर्स के पास, है ना। ई नंबर पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द टोकन्स ड्रॉप्ड इन द बॉक्सेस नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स आर मेड इन द टाइम बुक व्हिच इज पास्ड ऑन द वेजेस सेक्शन फॉर पेरोल अकाउंटिंग, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो टोकन्स वहां पे गिराए गए हैं बॉक्स में, उसके बेसिस पे जो है एक जो नेसेसरी जो है एंट्री की जाती है अटेंडेंस में, और उसको जो है एक तरह से जो वेजेस सेक्शन होता है जहां से सैलरी आपको मिलती है उसको भेज दिया जाता है ताकि पता चल पाए कि किसको कितनी सैलरी मिलनी है। तो पेरोल अकाउंटिंग में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इस बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपके टोकन्स गिरे हुए हैं, उनको काउंटिंग होता है और फिर उनकी आपकी जो है सैलरी वहां पे बनती है, राइट। एफ नंबर जो फीचर है वो ये है कि द मैटर नीड्स प्रॉपर सुपरविजन टू इंश्योर दैट अ वर्कर डज नॉट पुट इन द बॉक्स मोर देन वन टोकन, है ना। तो मेथड जो होता है यहाँ पे प्रॉपर सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो वर्कर है वो एक से ज्यादा जो है टोकन किसी एक बॉक्स में ना डाल पाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक किस्म की धांधली हो जाएगी अगर ऐसा वो कर पाता है तो, राइट। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब बात आती है मैकेनिकल और क्लॉक मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? ईच वर्कर इज गिवन क्लॉक कार्ड हाइच इन प्लेस इन रेक्स एंड इन द फैक्ट्री गेट। तो हर एक वर्कर को जो है क्लॉक कार्ड दिया जाता है। द टाइम ऑफ अराइवल एंड द डिपार्चर ऑफ द वर्कर इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रिकॉर्डर्स। तो जो क्लॉक रिकॉर्डर्स होते हैं उसके बेसिस पे उनका अराइवल और डिपार्चर जो होता है वर्कर्स का उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्लॉक कार्ड के में जो है क्लॉक रिकॉर्डर्स होते हैं, इसके बेसिस पे जो है उसका टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिपार्चर जो है मेंशन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सी नंबर पॉइंट है, व्हेन वर्कर्स रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटीज दे टेक आउट देयर कार्ड्स फ्रॉम रैक वन गेट देम पंच्ड बाय द टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक मेंटेन्ड एट द फैक्ट्री गेट एंड प्लेस देम इन रैक टू। तो यहाँ पे वर्कर क्या करता है, जब वो ड्यूटी पे आता है तो वो अपना क्लॉक कार्ड को उठाएगा, उसको लेकर के जाएगा, उसको पंच करवाएगा टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक से, और उसको पंच करवाने के बाद जो फैक्ट्री गेट है वहां पर लेकर के जाएगा। मतलब फैक्ट्री गेट ही उसको मेंटेन करता है जो कि पंच करता है। आपने पंच करवा लिया, फैक्ट्री गेट के आप अंदर चले गए, वहां पे जाकर के जो रैक टू है वहां पे अपने अपने टाइम क्लॉक को रख दिया, जो है ना क्लॉक कार्ड को आपने रख दिया और आप ड्यूटी पे चले गए वापस, ठीक ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। डी नंबर है, व्हेन दे लीव, जब उनकी छुट्टी होती है दे अगेन गेट देयर कार्ड्स पंच्ड विद द टाइम ऑफ डिपार्चर। जब उनकी अगेन जब उनकी छुट्टी होती है तो उनका जो कार्ड जो रैक टू में रखा हुआ था उसको निकाला जाता है और वापस से उसमें जो है टाइम ऑफ डिपार्चर एक तरीके से पंच किया जाता है और उसको वापस से जो है जो रैक वन है वहां पे डाल दिया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप गए रैक वन में, आपने अपना क्लॉक कार्ड उठाया, आप जब फैक्ट्री के गेट पे गए तो पंच कर दिया गया, पंच्ड कार्ड को आपने जो टाइम ऑफ अराइवल है उसको पंच कर दिया गया, आपने उसको रैक टू में रख दिया। जब छुट्टी हुई आपने रैक टू से सामान को निकाला, आपने क्लॉक कार्ड को निकाला, उसके ऊपर टाइम ऑफ डिपार्चर जो है पंच किया गया और आपने वापस से उसको टाइम वन में रैक वन में रख दिया और आप घर चले गए। तो इस तरीके से ये काम करता है। ई नंबर पॉइंट, इट इज क्विक सेफ साइंटिफिक रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। तो ये जो मेथड ऑफ टाइम कीपिंग होता है ये एक तरीके से क्विक होता है, सेफ साइंटिफिक होता है, सेफ होता है, साइंटिफिक होता है, रिलायबल होता है और एक्यूरेट मेथड ऑफ टाइम कीपिंग ये होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो सो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग जिसका इस्तेमाल जो है टाइम कीपर्स करते हैं। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।